नमस्कार सभी भाइयों से, आप देख रहे हैं अपना चैनल डेयरी फार्मिंग विनोद गिरी और मैं विनोद गिरी स्वागत करता हूं आप सभी भाइयों का अपने चैनल पर। और आज मैं पहुंचा हूं पारसी के बाज़ार में। पारसी पशु पैट एक बहुत बड़ी पशु पैट है, इसमें भैंस और गाय दोनों ही आती हैं। एक से एक अच्छी भैंस और एक से एक अच्छी गाय, एक से एक अच्छी गाय यहाँ आती है। और अब हम गायों के बीच में, गायों की वीडियो आएगी। सभी भाई वीडियो को पूरी देखें, वीडियो के अंत में मंडी मालिकों का नंबर भी मिलेंगे जिनसे आप कोई भी जानकारी ले सकते हैं। और एक से एक अच्छी शानदार गाय और एक से एक अच्छी शानदार भैंस यहाँ पारसी के बाज़ार में मिलेगी। हर बुधवार को लगता है मेरठ करनाल हाईवे पर लगता है गाँव, पारसी जिला मेरठ यूपी। और हम दिखा रहे हैं, एक गाय ले रहा है भाई, बहुत ही बढ़िया बेहतरीन वाली गायें देखेगा, बिल्कुल टॉप क्वालिटी की गायें। और भाई भी पूरे शौक से लेकर आया, पूरी सजा रखी है। क्या बने दिखे क्या बने? और गाय का जो शरीर है पूरा भैंसों के बराबर का शरीर है। और रंग काला देखेगा, कितनी बेहतरीन गाय है। जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें। देखेगा कितनी बढ़िया जड़ निकाल रही है गाय। अभी बातचीत करेंगे भाई से। बस रोक लो भाई, रोक लो। क्या हाल है भैया? बहुत बढ़िया जी, आप बताओ। क्या नाम है? मोनिस। कहाँ के रहने वाले? तिस्सा। ये जो गाय ले रहे हो भैया जी, ये कौन सी नस्ल की है तुम्हारी? ये जर्सी और एचएफ है भैया। जर्सी और एचएफ। और अभी भी आई नहीं, क्या हो? जी नहीं, 10 रोज में भी आएगी। कितना दिन है? 10 दिन रहेगा। 10 दिन 10 दिन रह रहे, 10 दिन रह रहे। 10 दिन में बहुत बढ़िया जड़ बना देगी। तो 10 दिन में तो उठना बैठना भारी हो जाएगा। देखेगा जैसे हम वीडियो बनाते हैं, ग्राहक जरूर मांग के जाइए दाम हमारे। अच्छा, ब्यांत कौन सा भैया इसका? ये दूसरे भी आएगी। दूसरे भी आएगी जी। अच्छा, जैसे खरीद के लाए होगे? जी, खरीद के लाए। तो मालिक कितना दूध की बताया? 30 प्लस की। तो निकाल टाइम का दिया है। हाँ, आपका तो बहुत बढ़िया दूध निकाले, बढ़िया बन रही है। और क्या कीमत मांग रखी भैया? मांग तो 125, 135 है। एक 5 में छोड़ देंगे, 1-5 में दे देंगे। 1-5 की दे दोगे? अच्छा, जैसे सुबह से आए हुए हो तो अभी लगी कुछ कीमत? जी जी, 1,95,000 तक लगे। 1,95,000 की मांग रखी है। तो इतने में औसत ना रहा देने? नहीं, अभी नहीं। आप 1-5 की देगा जाओगे? अरे 5 छोड़ दो, काम फंसा है तुम्हारा। तो देखो, जब कोई लेने वाला मन होगा तो दे देंगे, जब बैठ के पैसे गिने जी। जी राइट, मामला फिसले जी। राइट राइट, पहले नहीं फिसले जी। जी बिल्कुल। चलो ठीक है भैया जी, ठीक, धन्यवाद। अब कर लो भैया, बस एक से बेहतरीन गाय आई है। सबकी जानकारी नहीं कर सकता हमेशा, जैसे मैं हमेशा बताता हूँ कि सबकी जानकारी नहीं होती, लेकिन एक से एक अच्छी क्वालिटीदार भैंस गाय भैंस यहाँ सभी तरह के पशु मिलेंगे। देखेगा कितनी अच्छी अच्छी गाय खड़ी है। और सभी भाई गाय को घुमाते फिरते रहते हैं। देखेगा कितनी बड़े बढ़िया बढ़िया गाय वाली किसकी खुली कितनी बेहतरीन गाय। और कुछ व्यापारी भाई इस समय काम में भी लगे हैं। देखेगा, और जैसे हम वीडियो बनाते हैं गाय अभी मौके पे बिकी और पास होने लगी है। अब अपनी चादर का ये न्याणा बांध दिया है भाई ने। इसी तरह से एक से एक अच्छी बच्चा आई हुई है। देखेगा कितनी बढ़िया टॉप क्वालिटी की गाय खड़ी है। कितनी बढ़िया बेहतरीन वाली बच्चा ले रहा है भाई, बहुत ही बढ़िया जड़ थन की। बहुत और दूध की बहुत तारीफ कर रहे हैं। और थनों का देखेगा कितना साफ सुथरे थन है, बिल्कुल भैंसों की तरह थन निकल रहे हैं, बिल्कुल साफ थन है बच्चे के। और ये इसका बच्चा है। और व्यापारी भाई ने पूरे तारीफ कर रहे हैं, पूरे तारीफों के पुल बांध रखे हैं। इधर बड़े मियाँ गाय लिए खड़े हैं, ये भी इन्हीं की गाय है सारी इसी भाई की। देखेगा, रोक लो भैया, ये देखो भैया। क्या हाल है भैया जी? बढ़िया। क्या नाम है? अब्दुल अजीम। कहाँ के रहने वाले हो? रामपुर मनियारान। सहारनपुर के? जी, सहारनपुर जिला। सहारनपुर से आए हुए हैं बेकने जी, यहाँ से सहारनपुर। कितनी गाय लेकर आए भैया?
हम आए हुए हैं 17 गाय लेके। देखेगा देखेगा व्यापारी, एक व्यापारी दिखा रहा है तो दूसरे बड़े मियां आ गए हैं तारीफ करने दूध की। तो कितनी गाय लेके आए थे? 17। 17 गाय लाए थे और कितनी बेच दी? 10 बिक गई। 10 बेच दी, 7 रह रही है जी। 7 रह गई। एक जगह रोक लेना। तो मोटा नफा कमा लिया आज तो जी? हैं कमा लिया। हाँ नफे की तो मुस्कानियाँ लगा दिया मुँह पे। और ये जो बच्चे है तुम्हारी, कौन से ब्यांत की भैया? ये दूसरे ब्यांत की है जी। दूसरे ब्यांत की है। और कितने दिन की बिहेवियर है आज? आज चौथा दिन है। चौथा दिन है। और क्या कीमत मांग रखी? इसके 72,000। 72,000। तो जैसे 72,000 बता रहे हो तो ये फिक्स से कुछ कम भी होंगे? हाँ जी कुछ कम भी हो जाएंगे जी। कम हो जाएंगे। कम हो जाएंगे? कितने कम हो जाएंगे? 1,000-2,000। 1,000-2,000। मतलब लास्ट कहाँ तक के दे जाओगे? लास्ट 68 की। 68 की दे जाओगे। अच्छा और वाले और बच्चे कहाँ कर लो आप बात? कहाँ कर लो? ये वाले देखेगा, ये कर लो बात। देखेगा ये जो गाय है ये भी नहीं भाई की है और ये थोड़े से हल्के दाम हो गए। ये वाले कितनी कीमत के हैं? ये तुम्हारी बिक्री दिख रहा है? ये भी हमारी बिक्री। देखेगा इनकी इन्हीं भाई की मौके पर गाय बिक्री है। देखेगा किस तरह से जो व्यापारी भाई होते हैं, जो यहाँ किसान भाई होते हैं, किस तरह से पास करते रहते हैं मौके पर। देखेगा बिल्कुल पास करते हैं गाय। और एक भाई ने पास करिए और खरीद लिया। खरीदेगा कीमत अभी पूछ के बता देंगे। अभी अपने बातचीत करते हैं भाई, बातचीत कर रहे हैं। और ये जो गाय इन्होंने 45,000 रुपए की खरीदी है। लो भैया चलो सामने, हम कहाँ दे रहे हैं? और गाय को दिखाएंगे। देखेगा कितनी भरपूर भीड़ है बाजार में। एक जबरदस्त गाय आई हुई हैं और सभी कीमतों की इस बाजार में गाय मिलती हैं। कोई भाई पूछता है कि मंदी सी मंदी या लेके 25,000-30,000 से लेके और 1-1.5 लाख तक की गाय आराम से मिलती है। मौके पे सौदाबाजी चल रहा है। चलाइए थोड़ी सी आगे। कुछ कहाँ के भी आए हुए? सोरमगोड़ा मुजफ्फरनगर। देखे गए कुछ ग्राहक भाई हैं मौके पे गायों को देख रहे हैं जिसकी हम वीडियो बना रहे हैं। सर देख कितने बेहतरीन गाय है। चले जाए भैया एक बार आगे को गाय को थोड़ी जाके चले। गाय लात ना मारो, लात ना मारो। गाय का साइज देखेगा कितना बढ़िया और कितनी बढ़िया जड़ बना रही है और बहुत शांत स्वभाव की गाय है भाई। बढ़िया वाली है बच्ची, बहुत शांत स्वभाव की है। जितने इसके गाय 32 किलो तैयार है दूध बच्चा ना। अभी बच्चों में ब्रांड में रहे था वहाँ भी पहला शुरू हुआ। क्या हाल है भैया? ठीक है जी बाबू जी। क्या नाम है? आशीष भाई जी। कहाँ के रहने वाले? गंगो के। इसे परे कुत्ता करा भाई। अच्छा ये जो बच्चे दिखा रहे हो तुम, ये कौन से ब्यांत की भैया? ये पहलन है जी। पहलन है जी। तो मुँह से कहते जाता हूँ मैं 6 दांत को 6 है जी। तो ये 42 भी आएगी? ब्यागी कहाँ है बच्चा? ये डब्बी बच्ची खड़ी इसके। ये देखेगा ये गाय का बच्चा है। और कई दिन की भाई मेरे? ये 5 दिन की हो गया। अब दूध कितना है इसमें? दूध इसमें 28 किलो तैयार है जी। 28 किलो? हाँ जी। ये ऐसे कहने का ही है हवा में? 28 तैयार है जी। तैयार है। और क्या कीमत मांग रखी हुई है? इसकी कीमत 1,05,000 है जी बाबू जी। कीमत तो बड़ी जबरदस्त बता दी। ओरिजिनल सामान है। ओरिजिनल है जी। ये रेटिंग कर रहा है। पूछा देखो कौन? अभी बात कर रहा तो ये इसकी इतनी जबरदस्त कीमत बता दी। लेकिन बता दी है जी सारा सुनना तो जरा सही हो जी। अच्छा ये तो गाड़ी भर लो पाटो जो इसमें ओरिजिनलिटी की मोहर लगी है। ओरिजिनल है जी। अच्छा तो ये जो कीमत इतनी बता दी, ये तो मांगने के बता दी, देने के कितने? बस देने के है। ये देने के? ये जब ये पिंगड़ा जब पैसे देके बैठेंगे यार, जब पैसा होगा ना तो फिर हम थोड़ा बहुत जब मिल जाओगे। कितने पिंगड़ा होगा? 80 में? 75 में? और फिर तो 5,000 में छोड़ देंगे। 1,00,000 हम रख लेंगे, 5 रुपए दे देंगे। 5 रुपए दे दोगे? चलो ठीक है ना भैया। जैसे हम वीडियो बना रहे हैं तो कुछ ग्राहक भाई यहाँ इधर खड़े हैं और गायों को खरीदने आए हुए हैं और ये बता रहे हैं भाई कि हम वीडियो देखते हैं और वीडियो भी ठीक ठाक लगती है। तो ये जो भाई हैं यहाँ गाय खरीदने आए हुए हैं। अच्छी अच्छी गाय आई हुई है। अभी एक सामने दिखा रहे हैं जैसे हम वीडियो बना रहे हैं। एक तो अभी एक
इस तरह से गाय बहुत जल्दी जल्दी बिकती है। एक मौके पे गाय बिकी है और ये पास होने लग रही है। बाहर के व्यापारी भाइयों ने खरीदी है और जो इसके व्यापारी है तारीफों के पुल बहुत बांध रहे हैं दूध के। चलो यहाँ इस बाजार में क्या बन गाय बहुत आती हैं और ब्याह भी ले चली भी एक बार करो देंगे भाई सर। इधर बाद में पूछो गाय और भाई ले रहा है क्या बने दिखे हो क्या बन गाय ब्याहने वाली भैया ब्याह आ रही है बच्चिया उनकी बातचीत करेंगे इससे भाई से भी। अच्छा भैया क्या हाल है भैया? ठीक है। क्या नाम है? बिट्टू। कहाँ के रहने वाले? लखनौती। लखनौती। और ये जो गाय है तुम्हारी कौन सी नस्ल की भैया? चप। और कौन सा ब्याह है? दूसरा। दूसरा तो ये खरीद कर आए थे घर की थी? नहीं खरीद कर खरीद कर ले। खरीद कर आए। मालिक कितना दूध की बताता पहले ब्याह में? 20। और देगी तुम्हारी नज़र में इतना? 20 ही देगी। दे देगी पक्का? पूरी मजबूताई सी आ रही है मालिक बढ़िया बरस के देखे थे। तो इसकी क्या कितने दिन आ रहे ब्याह के भैया? 8 दिन। 8 दिन आ रहे अभी तो 8 दिन में तो बढ़िया जहर निकाल देगी गाय जो है। 8 दिन ब्याह के बता रहे हैं भाई। और देखेगा ठंड बिल्कुल साफ सुथरा है बहुत बढ़िया और बिल्कुल शांत शांत सुबह हो गई है भाई। हाथ पैर पैर के दिखा रहे हैं। तो इसकी क्या कीमत मांग रहे भैया? 62,000। तो 62 बताए हैं। ये फीस कम भी हो जाएंगे कुछ? हजार रुपये धीरे से बोल रहे कोई दूसरा घाट सुन ला। लास्ट कीमत कहाँ तक की जाओगी? 60 तक की जाओगी। जैसे वे रखी अभी लगी कीमत? लगी कीमत कुछ कितने लग गए? 56 लगे मतलब थोड़े से मोल में रुक रही है अभी बस। चलो ठीक है भैया जी। देखेगा एक से एक अच्छी गाय आते देखेगा कितनी संख्या में गाय बैठी हुई है। और ये कुछ व्यापारी भाई इस समय बड़े व्यापारी भाई बता गए हैं गाय जो है बिकी हुई हैं और ये सारी गाय यहाँ से गुजरात जा रही है। यहाँ से सीधे गुजरात की लोडिंग होती है गायों की। कितने बेहतरीन बेहतरीन गाय है। गाय को देखा जितना भी दिखाया उतना कम है। देखेगा कितनी बेहतरीन गाय खड़ी हुई है। गाय है देसी गाय 12 किलो देसी गाय ले रहे हैं भाई। ब्याह क्या बने है। गाय का साइज जो है थोड़ा नीचा साइज तो है लेकिन गाय वैसे साफ सुथरी है और पूरी मेहंदी लगा कर ला रखी है। लोग तो सही ये इसका बच्चा है। और ये जो व्यापारी है कई सारी गायें ले रहे हैं और कई सारी तारीफ बहुत कर रहे हैं। गाय जो देसी गाय है बहुत ही बढ़िया बढ़िया गाय और शांत स्वभाव की बिल्कुल। क्या है भैया इसके? 22,000। 22,000 है देने के? अच्छा और कौन सा ब्याह है इसका? दूसरा। और कितने दिन की ब्याह जा रही? 8 दिन की। कितना दूध बताया इसमें? 8 किलो। 8 किलो तो जो 22,000 कीमत बता रहे हैं की अभी तक इसके 22,000 भी नहीं लगे। कितने लग रहे? 20 लग रहे तो 2,000 रुपये रोक रखी। अरे तो भाई 20 के वाले भी जाएगा यही बचेंगे। अच्छा तो चल 22 के भी जाएगी। कितने गाय लेके आए थे और कहाँ है? सब एक दी तो ये एक ही रह रही। चलो ये भी बिक जाएगी। एक से एक अच्छी बेहतरीन गाय आती है। कुछ व्यापारी कीमत भी ऐसे ही उपचोक भी बता देते हैं। देखा बहुत ही बड़े बढ़िया गाय खड़ी हैं लगी हुई ऐसे। क्या बन दिखे? देखिएगा एक भाई ले रहा है गाय। ज्ञापन गाय हैं। ज्ञापन बहुत आती हैं जो मतलब ताजी एक दो दिन में भी आने वाली होती हैं 2-4 दिन में। देखिएगा बहुत ही अच्छी गाय हैं। बहुत ही अच्छी गाय ले रहा है और शांत स्वभाव की। भाई जो है पूरा हाथ फेर फेर के दिखा रहा है। देखिएगा जो गाय है दूसरे ब्याह के भाई बता रहे हैं वो कीमत जो है इसकी 75,000 रुपये बता रहा है और 70,000 रुपये तक की देने की बताई है। चलो बहुत से भरपूर बना हुआ है। सभी भाइयों का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जिस भाई ने चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब लाइक जरूर करें।